कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिकी दौरे का आज आखिरी दिन है और आज वो भारतीय समुदाय के सामने थे। राहुल गांधी ने आज भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बहाने राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार से हादसे पर सवाल पूछो तो वो पिछले 50 साल में कांग्रेस के जमाने में हुए हादसों की बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी से लेकर उनके सभी मंत्री इसी तरह की अतीत की बातें करते हैं, भविष्य की नहीं। आप देखिए राहुल गांधी ने किस तरह मोदी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी एंड द आरएसएस आर इनकेपेबल ऑफ लुकिंग एट द फ्यूचर। दे आर इनकेपेबल, दे डोंट, दे उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो 24 घंटा व्हेन यू वर ड्राइविंग द कार यू लुक्ड एट द रियर व्यू मिरर, कुड यू ड्राइव योर कार, यूड बी हैविंग वन एक्सीडेंट आफ्टर द अदर, द पैसेंजर वुड बी सेइंग भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने, राइट? दैट इज द फिनोमेना ऑफ नरेंद्र मोदी जी, ही इज ट्राइंग टू ड्राइव द कार, द इंडियन कार, एंड ही ओनली लुक्स इन द रियर व्यू मिरर एंड देन ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस कार इज crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister. You will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. India TV, har vakt, har jagah. Download karne ke liye search karein India TV News, Google Play Store ya App Store par.